पचोखरा क्षेत्र के इमलिया में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पूरा मामला टूंडला के थाना पचोखरा क्षेत्र का है, जहां मारपीट के आरोप में जेल गए मृतक महिला के बेटे जेल से छूटकर आए, जिसके बाद देर रात जांच पड़ताल के लिए पुलिस जेल से छूटे युवकों के घर पहुंची और फिर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, जहां महिला के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। तो वहीं जब इस पर पुलिस के आला अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि पुलिस जांच के लिए गई और फिर वापस लौट आई, जिसके बाद महिला की मृत्यु हुई है। फिलहाल महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। साहब, मैं सो रही थी अपने माँ के पास, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमको जगाया तो उन्होंने ना पहले मेरे भाइयों के बारे में पूछी थी कि तुम्हारे भाई कहाँ है, माँ से पूछ रहे थे, तो मेरी माँ ने ये बोला सर वो यहाँ पर है नहीं है, फिर वो चले गए, फिर उन्होंने मेरी माँ का गला पकड़ा था, फिर गला पकड़ो का उनको झपटा था, उनको जमीन पर गिरा दिया था, फिर मेरी माँ बेहोश हो गई। देखिए, कल रात को रात के 12 बजे लगभग जो है पुलिस टीम तस्दीक करने के लिए 308 में कुछ अभियुक्त छूटे थे जेल से। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसमें पुलिस तस्दीक करने जाती है कि क्रिमिनल जो छूटे हुए हैं उनको घर पहुँचे नहीं पहुँचे, या किसी प्रकार की जो आपराधिक बातें या कोई इस प्रकार की मारपीट ना हो उसको देखते हुए जाती है, और उसमें उन्होंने फ़ोटो भी भेजी हुई है जो तस्दीक उन्होंने किया है। पर इसमें लगभग रात के 12:45 पे 112 पर सूचना आई कि जहाँ पर तस्दीक किया गया वहाँ पर एक महिला की जो है मृत्यु हुई है, और उसमें आरोप लगाया कि पुलिस वालों की वजह से वो मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए इमीडिएटली जो है उसमें शव को मोचरी भेजा गया, और यहाँ पर पुलिस जो डॉक्टर हैं उनके 3 डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, व इसमें जो परिवारजन है उनसे बात करी गई है, उनसे तहरीर ली जा रही है, व इसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई है उसको किया जाएगा। डीजी महाजन न्यूज़ के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।